स्टार्ट करते हैं चैप्टर 50 इन्वेंशंस मतलब आविष्कार। तो चलिए इस टेबल को कंप्लीट करना है, इन्वेंटर्स के नाम लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ नीड हेल्प, ओके गिवन बिलो। सो ईयर था 1450 और इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का और इसके इन्वेंटर्स थे जोहानस ग्यूटेनबर्ग। ओके बच्चों, तो आपको ये सारे जो नेम्स हैं ये लर्न करने हैं और ये भी लर्न करना है कि इन्होंने पर्टिकुलर कौन सा इन्वेंशन किया और वो कब हुआ। ओके तो नेक्स्ट वी गो अहेड 1642 नंबर सेकंड पर है, ये नंबर टू पर है, देखेंगे ध्यान से। 1642 में कैलकुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ और वो किया था ब्लेज पास्कल ने, राइट। नंबर थ्री पे है 1656 में पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन हुआ जिसमें पेंडुलम होता है और उसके इन्वेंटर थे क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ओके नेक्स्ट नंबर फोर पर है 1643 में बैरोमीटर का इन्वेंशन हुआ और बैरोमीटर के इन्वेंटर थे इवान गेलिस्टा टॉरिसेली। ओके इवान गेलिस्टा टॉरिसेली। 1712 में इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, ओके और ये किया थॉमस न्यूकोमैन ने। ओके तो आपको ये सब लर्न करने हैं बच्चों, आगे चलते हैं। नंबर सिक्स पर 1656 में क्लॉक मैकेनिकल क्लॉक का इन्वेंशन हुआ और उसके इन्वेंटर थे आविष्कारक थे क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ओके ये पेंडुलम क्लॉक के भी आविष्कारक थे और मैकेनिकल क्लॉक के भी। नेक्स्ट 1769 में स्टीम इंजन कंडेंसर का, वो स्टीम इंजन पिस्टन की बात करी थी हमने पहले, ये स्टीम इंजन कंडेंसर का आविष्कार किया जेम्स वॉट ने। 1769 में ही स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया सर रिचर्ड आर्क राइट ने, राइट। तो आगे चले 1783 में हॉट एयर बलून का आविष्कार किया जोसेफ एंड जैक्स मॉन्टगोल्फियर। स्टीम बोट का आविष्कार हुआ 1787 में और वो किया जॉन फिच ने, राइट। तो आपको ये सारे इन्वेंटर्स इन्वेंशंस और ये कब कब इनका इन्वेंशन हुआ आपको ये लर्न करना है। हेयर वी हैव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइट बल्ब, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइट बल्ब 13.5 फीट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ एडिसन मेमोरियल टावर। कहाँ पर है ये? एडिसन मेमोरियल टावर में। और कितने फीट का? 13.5 फीट। ओके सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।